नमस्कार, मैं बेनजीर हाशमी और आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाले मामले में नहीं मिली जमानत। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन हुआ खत्म, देर रात तबियत बिगड़ने के कारण किया गया आईसीयू में भर्ती, बड़ा शुगर लेवल। नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई 25 लोगों की गिरफ्तारियां। आपको बता दें, पटना कोर्ट ने जांच एजेंसी से ऑर्डर पेपर मांगे, तो वहीं महाराष्ट्र में 3 लोग एटीएस की हिरासत में। अब एमपी सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स, मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदला, 5 साल में जमा किए 3.24 करोड़ रुपए। एमपी गुजरात समेत 15 राज्यों में आज बारिश होने की चेतावनी जारी, बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स ने 78,016 और निफ्टी ने 23,710 का हाई बनाया। अभी सेंसेक्स करीब 600 अंक ऊपर, बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। कोरियाई विमान 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया, यात्रियों के कान से निकला खून, 17 लोग हुए घायल, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चीन लाया चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। 2030 तक चीन इंसानों को चांद पर भेजने की कर रहा है तैयारी। सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी, 13 जून को होना था वापस, नासा ने स्पेस क्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार वापसी टाली। जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन कामकाज नहीं होगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार आयुष्मान योजना चला रही है। रोहतक में आईएमए पदाधिकारियों और सदस्यों ने इलाज नहीं करने के निर्णय पर सहमति जताते हुए प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जाने का फैसला लिया है। दरअसल बता दें कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत निशुल्क इलाज के भरोसे बैठे प्रदेश के लाखों मरीजों की डॉक्टर्स डे 1 जुलाई से परेशानी बढ़ने वाली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं सरकार की ओर से समय पर इलाज की राशि, पूरा पैसा नहीं मिलने और अन्य मांगों को लेकर निजी अस्पताल संचालक में रोष है। बताते चले कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार आयुष्मान योजना चला रही है। इसके तहत लाखों लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। इससे लोग सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। सरकार ने सैकड़ों निजी अस्पतालों को पैनल दे रखा है, यहाँ कार्ड धारकों के लिए अपना कार्ड दिखाकर इलाज लेने की व्यवस्था की गई है। अब ये व्यवस्था 1 जुलाई से ठप हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 29 जून यानी शनिवार को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दरअसल अमित शाह हरियाणा बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र में होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने पर भी मंथन किया जा सकता है। साथ ही ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। ये नतीजे बीजेपी के लिए चिंताजनक साबित हो सकते हैं। दरअसल किसानों के मुद्दे हो या फिर सरपंचों की नाराजगी, बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। लिहाजा बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव के मंथन में जुटी हुई है। वहीं बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शिरकत करेंगी। दरअसल कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। यह सम्मेलन करनाल में होगा, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के साथ पार्टी के बड़े बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, अनिवार्य रूप से सम्मेलन में शामिल होंगे और सभी कार्यकर्ता
आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा है इस सम्मेलन को मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को मजबूत करना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया है सभी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल हो। इसमें आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीतियों अभियानों की योजना और आगामी चुनावों के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का भी काम किया जाएगा ताकि वह आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलकर काम कर सके। हरियाणा के हिसार शहर में थाने से महज 100 मीटर दूर ऑटो मार्केट स्थित इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम भगत गुप्ता के महिंद्रा शोरूम पर सोमवार को बाइक सवार तीन बदमाशों ने 35 से अधिक गोलियां बरसाकर दहशत फैला दी। दरअसल बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर पर्ची फेंक कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और महिला कर्मी की तरफ भी गोली चलाई। वही गोलियों से शोरूम के शीशे और गाड़ियों के निशान बन गए हैं। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। वही घटना के बाद पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं। हालांकि देर शाम तक किसी का सुराग नहीं लग पाया था। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी में भी घमासान शुरू हो गया है। वही रविवार को आपके किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष कर्ण सिंह धनखड़ और शिक्षा विंग के प्रदेश संयुक्त मंत्री अमलदीप रवीश को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इन दोनों पदाधिकारियों ने सोमवार को करनाल के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनका निलंबन आदेश और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। अब ये मामला मंगलवार को करनाल आ रही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के सामने उठ सकता है। कर्ण सिंह धनखड़ ने कहा कि वह किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ संस्थापक सदस्य भी हैं। अपनी बात रखने का मौका वे बिना कोई नोटिस दिए प्रदेश अध्यक्ष नील गुप्ता ने सीधे उन्हें निलंबन आदेश थाम दिया है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। ये कार्य किसी और ने ना कर दिया हो ये सोचकर उन्होंने इसकी शिकायत रोहतक थाने में भी दे दी है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।